तो दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ सिंपली एक यहाँ पर बाइक का स्टार्टर जो सेल्फ मोटर होता है ये वाला है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, वहीं से दिखाओ, ये वाला, ये है सेल्फ का मोटर जो हमारे बाइक के अंदर होता है और इसका वजन है गाइस 2 किलो तकरीबन है इसका वजन। और यहाँ पर इसको हम ले लेंगे सिंपली, और इसी के साथ में यहाँ पर एक कोई सा रस्सी ले लेंगे या फिर हम यहाँ पर ग्लूकोज का जो बॉटल होता है उसका पाइप होता है ये वाला हम यूज़ कर रहे हैं। आप कोई सा भी रस्सी यूज़ कर सकते हो या फिर कोई वायर भी यूज़ कर सकते हो, बेसिकली बस मुझे इसको बांधना है मजबूती के साथ ताकि ये टूटे ना, बस इसीलिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। तो सिंपली आइडिया काफ़ी सिंपल सा, इसके ऊपर हम यहाँ पर जो यहाँ पर आपको दो यहाँ पर छेद दिख रहे हैं इसके अंदर हमें डाल के इस पाइप को सिंपली कुछ इस तरह से यहाँ पर इसको बांध देना है कुछ इस तरह से, ताकि हमें इसको लटकाना है सिंपली, इतना ही करना है इसके अंदर कुछ इस तरह से बांध देते हैं। काफ़ी इजी है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, अब ये काफ़ी आसानी से साथ यहाँ पर ये लटक गया है कुछ इस तरह से, और इसके बड़े हुए भाग को हम कट कर देंगे यहाँ से, काफ़ी वैसे मजबूत है इसके अंदर। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर मैंने इसको बांध के लटका दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इसको बीचों बीच में यहाँ पर सेंटर में इसको लटकाना है, उसके बाद बताता हूँ कि क्या करना है आप लोगों को। तो अब मैं यहाँ पर इसको लटकाता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली मैंने इस वाले डीसी मोटर को जो काफ़ी ज़्यादा इसका वजन है 2 किलो तकरीबन इसका वजन है, इसको मैंने एक यहाँ पर पाइप की सहायता से या फिर ऐसा कह सकते हैं एक रस्सी की सहायता से मैंने इसको बांध दिया है। अब बीचों बीच में यहाँ पर हमने इसको लटका दिया है। अब दोस्तों देखना यह है कि इसको जो यहाँ पर मैं इसे छोड़ता हूँ वहाँ पर कैमरे के पास ये जाता है कुछ इस तरह से, ये घूम रहा है। तो अब मैं एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं और देखते हैं गाइज क्या यह एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है या फिर नहीं होता है। जो साइंस का जो एक्सपेरिमेंट है अगर वो गाइज थ्योरी बिल्कुल सही होगी तो वो वाला एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही हो सकता है। तो देखते हैं, यही है देखना है। अब बेसिकली मैं यहाँ हूँ, एक बंदा मेरे पास है यहाँ पर और मैं इसको यहाँ पर इसको बुला लेता हूँ और यहाँ पर इसको खड़ा करता हूँ यहाँ पर सिंपली, और इसके हाथ में यहाँ पर मेरे पास है एक सैमसंग गैलेक्सी J7 का एक फ़ोन है जो कि तकरीबन का ये इसका डिस्प्ले चला गया है, बाकी मोबाइल ये सही है, इसका डिस्प्ले लगवाना पड़ेगा। खैर इसे कोई मैटर नहीं करता कि ये सही है या फिर ख़राब, हमें जो एक्सपेरिमेंट करना है ये देखना है कि ये सक्सेसफुल हो पाता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर हम इस मोबाइल फ़ोन को रखते हैं इनके पास। दोस्तों अब देखना ये है कि क्या हम यहाँ से अगर इस वाले मोबाइल को और हल्का ऊपर लाऊँ यहाँ से, यहाँ पर दोस्तों हमने इस वाले मोबाइल में बिल्कुल टच कर दिया है इस वाले मोटर को, और अब देखना गाइस मैं इसको छोड़ता हूँ तो क्या दोबारा से वापस आकर यहाँ पर इसको लड़ेगा और मोबाइल को फोड़ेगा या फिर नहीं, यही देखना है एक्सपेरिमेंट में। तो आप लोग इस वीडियो को लाजमी पूरा देखें, बहुत ही मजा आने वाला गाइस, और इस तरह से हमें इस एक्सपेरिमेंट का ये भी पता लग जाएगा क्या यह साइंस एक्सपेरिमेंट का जो थ्योरी है बिल्कुल परफेक्ट है या फिर गलत है। तो इसको मैं सिंपली यहाँ पर टच कर दिया हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं डीसी मोटर को लाकर सिंपली इस पर टच कर दिया हूँ। अब गाइस छोड़ते हैं और देखते हैं वापस से ये आकर उसी पोजीशन पे इस मोबाइल पे लड़ता है तो क्या मोबाइल फूटता है या फिर नहीं लड़ता है, क्या होता है ये मुझे पता नहीं है। और देखना यही है गाइस कि जो साइंस का एक्सपेरिमेंट जो थ्योरम है ये काम करता है सही तरीके से या फिर नहीं करता है। तो मैं इसमें छोड़ता हूँ और फिर देखना गाइस ये मोबाइल फोन बच पाता है या फिर नहीं। तो 3, 2, 1 गाइज आपने देखा मैंने बिल्कुल टच किया था इसमें और अभी ये जो है घूम घूम कर बार जितनी बार ये घूमेगा उतनी बार इसकी पोजीशन यानी कि एनर्जी जो है वो लॉस होती जाएगी, और इस तरह से ये क्रिटिकल मोशन जो होता है न्यूटन चाचा की जो हमारा नियम है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। आप देख सकते हैं मोबाइल पर ये टच भी नहीं हो रहा, हमारा मोबाइल बिल्कुल सेफ है। और मैं यहाँ से थोड़ा सा भी दूरी पर नहीं करूँगा इस मोबाइल फोन को, यहीं पर रखूँगा। 3, 2, 1 गाइज मोबाइल फ़ोन बिल्कुल वहीं पर है और हमारा मोटर जो है ये बार बार जितनी बार गाइज जा रहा है और आ रहा है उतनी ही इसकी मोशन यानी कि एनर्जी लॉस हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी लॉस होती जा रहा है, और इस तरह से हमारा मोबाइल फ़ोन बिल्कुल सेफ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है गाइज कि इसके अंदर कौन सी फिजिक्स की थ्योरी लगी, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और हम मिलते हैं इस तरह के किसी नए वीडियो में नए टॉपिक तक के लिए। जय हिंद जय भारत।